शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए तथा महानगर में शांति व्यवस्था बहाल रखने और आमजन में सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए पुलिस के जवानों ने गुरुवार को तिवारीपुर थाने से विभिन्न मोहल्लों में फ्लैग मार्च किया। तिवारीपुर थाना से एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में निकाली गई फ्लैग मार्च में सीओ कोतवाली वीपी सिंह, आईपीएस विकास कुमार, थाना प्रभारी तिवारी सत्य प्रकाश सिंह सहित पैरा मिलिट्री फोर्स, महिला पुलिस के साथ अन्य पुलिस के जवान शामिल रहे। फ्लैग मार्च तिवारीपुर से इलाहीबाग, बक्सीपुर, नखास चौक, रेती चौक, घंटाघर, पांडेहाता होते हुए बर्फखाने के पास समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया तथा धारा 144 का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए ताकि कोई घटना ना घटित हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, हमारे सीओ साहब के व्हाट्सएप पे करते हैं। चाल है कि और धीमे करे हो आगे ट्रांसफार्मर दाहिने वाली कब लाइन पे चले हेलो फ्लैग मार्च शहर में शांति को बनाए रखने के लिए और कल जुमे की नमाज है, एहतियात के तौर पर सभी क्षेत्रों से शहर के सघन सड़कों से फ्लैग मार्च की जा रही है। किसी भी प्रकार से शांति भंग ना हो शहर में, उसके लिए ये एहतियातन की जा रही है। हमारे साथ आईपीएस प्रोबेशनर हैं और सीओ कोतवाली साहब हैं और यहाँ पर सारे फोर्सेस के जवान। शहर की जितनी भी महत्वपूर्ण सड़कें हैं उन सब से होके गुजरेगा, ख़ास तौर से नखास है, रेती है और आपका मदीना मस्जिद है, इन सब रास्तों से होता हुआ ये गुजरेगा। सर क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो हरकत करना चाहते हैं अराजक? हम लोग बस इतना ही कहने चाहते हैं कि शहर की शांति भंग न करें। अगर इसमें किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से शांति भंग की या आम जीवन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 लागू है।